इतिहास में ऐसे कई रहस्य हैं जो आज तक हम नहीं सुलझा पाए हैं, और उन सभी में से मैं आपको कुछ रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आइए हम जानते हैं उन रहस्यमय बातों को। 6 इंच का इंसानी कंकाल। 2003 में चिले के एटकेमा रेगिस्तान में 6 इंच का एक कंकाल मिला था, जिसके मजबूत दांत और बड़ी खोपड़ी थी, और इसे 1970 के करीब का माना गया। पहले तो इतने छोटे आकार के कंकाल को देखकर इसे किसी एलियन का कंकाल बताया गया, लेकिन बहुत सालों तक चले शोध के बाद बताया गया कि यह किसी इंसानी महिला का कंकाल है, जिसे बोनेपन की बीमारी होगी और उसकी मौत 6 और 8 साल की उम्र में हो गई होगी। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार इंसानी शरीर में 12 पसलियाँ का सेट होता है, लेकिन इसके शरीर में सिर्फ 10 पसलियों के सेट ही थे। और इसे ऐसी कौन सी ऐसी बीमारी थी जिस कारण इसका शरीर का आकार इतना छोटा था, इसका जवाब वैज्ञानिक आज तक नहीं दे पाए हैं। रहस्यमय किताब वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट 240 पन्नों वाली हाथों से लिखी गई एक पुस्तक है, जिसे 15वीं शताब्दी का माना जाता है। इस पुस्तक को एक रहस्यमय पुस्तक माना जाता है, क्योंकि इसे पूरी तरह एक अज्ञात भाषा में लिखा गया है, जिसे कोई भी नहीं पढ़ सकता। इस पुस्तक में अभी 240 पन्ने हैं, लेकिन माना गया है कि इसके बीच के बहुत से पन्ने गायब हैं। पुस्तक में अजीबोगरीब जीव, नग्न औरतें और बहुत सी अजीबो चीजों के चित्र बने हुए हैं, और इन चित्रों और पुस्तक में लिखे शब्दों को समझने के लिए बहुत से क्रिप्टोग्राफर द्वारा प्रयास किया गया है। लेकिन पुस्तक किस बारे में है, इसके क्या लिखा है, इसे क्यों और किसने लिखा है, इन सभी सवालों का जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। मांस की बारिश। 3 मार्च 1876 को अमेरिका के केंटुची में सुबह के 11 से 12 बजे के बीच में आसमान से अचानक मांस की बारिश होने लगी। यह लाल रंग के मांस थे, जिनका आकार 2x2 इंच से लेकर 4x4 इंच तक था। यह मांस की बारिश क्यों होने लगी थी, इसके पीछे बहुत से तर्क दिए गए थे, लेकिन सबसे ज्यादा माने जाने वाला तर्क यह था कि मांस गिद्ध के झुंड ने मांस खाने के बाद उड़ते समय यहां भी गिराए होंगे। लेकिन इस तर्क का भी कोई पक्का सबूत नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि यह मांस गाय का, घोड़े का, भालू का, इंसान का या किसी जीव का था, ये कभी पता नहीं चल पाया। जैक द रिपर। 1988 के समय में लंदन में एक सीरियल किलर का बहुत ज्यादा खौफ था। यह किलर सिर्फ वेश्या महिलाओं की हत्या ही करता था, लेकिन वह हत्या बहुत ही खौफनाक तरीके से करता था और महिलाओं की अंदरूनी अंगों को भी निकाल लेता था। 1988 से 1991 के बीच दर्जनों महिला की हत्या हुई थी, लेकिन 1988 में हुई 5 हत्याओं में से सबसे ज्यादा समानताएं थी। इन 5 में से एक महिला की लाश के पास से पत्र मिला था, जिसमें लिखा था वह अभी और भी हत्या करने वाला है, जिसके बाद इस सीरियल किलर का खौफ और भी ज्यादा बढ़ गया और लोग घरों से बाहर निकलने से भी डरने लगे। लेकिन इस पत्र के बाद इस सीरियल किलर को एक नाम मिल गया, जो था जैक द रिपर, पर यह साफ नहीं था कि पत्र को किलर ने ही लिखा था या किसी पत्रकार ने इस खबर को ज्यादा फैलाने के लिए खुद लिखा था। यह हत्याकांड इग्नेल के इतिहास का सबसे रहस्यमय घटनाओं में से एक है, और इस हत्याकांड के 130 साल बीत जाने के बाद भी नहीं पता चल पाया कि हत्यारा कौन था और हत्यारे का असली नाम क्या था।